ये अभी तक सो रहा है, बताओ दिन चढ़ गया? अरे हर वक्त औंधा पड़ा रहे, इसके सिवा तेरे पर कुछ काम भी है? अम्मी आप ही मेरे पीछे पड़े रहते 24 घंटे, आप मेरे से क्या करवाओ? अरे मैं ना तुझ पे पहाड़ तोड़वाती, उठ के मुंह हाथ धो ले। रुखसाना ने रोटी बना दी है, रोटी खा ले। अम्मी आपको नहीं खानी रोटी? बेटा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी अम्मी, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं बेटा वो बात नहीं है। नहीं है तो आप क्यों नहीं खाएंगी अम्मी? वो इकराम ने मेरे उम्रा जाने की खुशी में चाय की पार्टी दी है, तो वहाँ जाऊंगी मैं। ओ, तो अम्मी आप वहाँ नाश्ता खेचेंगी, आप समोसे खाएंगी, बिस्कुट खाएंगी और हम यहाँ रहेंगे, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। हैं? मैं भी नाश्ता खींचूंगा। मैं भी चलूंगी अम्मी साथ। क्या करेगी, क्या करेगी? जो तुम करोगे वही मैं कर लूंगी। चल चल तो खड़ा हो, चल यार ये ले अम्मी। हाँ मैं भी चलूंगी आपके साथ। अम्मी क्या करेगी, क्या करेगी वहाँ? चल बेटा चलन दे, चल मैं भी चाय नाश्ता कर लूंगी। चलो चलो दोनों ही चलो चलो। बेटा नवाब ये हाईवे है, रोड देख के पार करियो, ऐसा ना हो कि यही पापड़ बन जाए। निकल जा निकल जा। बे भाईजान बात समझा करो, 3000 रुपए से कम की बकरी नहीं दूंगा मैं। हाँ बे बहुत महंगी आ रही है बकरी। ना ना भाई 1500 रुपए की नहीं, ना ना। कौन खड़ा, इससे बात करता हूँ। हाँ बोग बकरा भी है मेरे पास। मियाँ अस्सलाम वालेकुम। मियाँ वालेकुम अस्सलाम। बे कौन हो भाईजान, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। वह नहीं पहचाना भाई? ना भाई ये तो तुम्हारी प्योर गलत बात है। अब माशाल्लाह ये तो हमारी बेइज्जती हो गई। अबे तू अंबानी है, अडानी है, सलमान खान है, आमिर खान है, शाहरुख खान है, या कहीं का नवाब है जो तुझे पहचानूं? चलो मियाँ अनजाने में सही, आपने हमें पहचान तो लिया। अमा मियाँ हम हैं रामपुर के लुटे पिटे फटीचर नवाब। आदाब। ओहो तो आप हैं रामपुर के फटीचर नवाब। बे नवाब साहब एक बात बताओ, तुम अपने रामपुर से चल के हमारे गांव में क्या भुट्टे भूनने आए हो? वो भाईजान हमारे रामपुर में हमारी तबीयत हो रही थी परेशान, हमने सोचा कहीं दूसरी जगह जाकर किसी के यहाँ मेहमान बन जाऊं और 5-6 महीने दावत उड़ाऊं, इसलिए मुझे आप अपना मेहमान बना लीजिए। अबे वाह जान ना पहचान, तू बन जा मेरा मेहमान। अब मेरे घर भूल के भी मत आ जाइयो बे। क्यों? तुझे पता नहीं है क्या? मेरी बीवी बहुत खतरनाक है, मेहमान का बेलन मार मार के कचूमर निकाल देती है। अबे 21 बेलन तो मेरे ही मार देती है सुबह सुबह फ्री फंड में, जो मेहमान होता है उसका मारती है 51 बेलन। अगर तू 51 बेलन झेल जाए तो चल मेरे साथ। अमा मियाँ मुझसे गलती हो गई कि मैं आपसे रूबरू हो गया, इतनी मेहमान नवाजी मेरे बस की झेली नहीं। नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं। मेहमान है तू, मेहमान तो बनना ही पड़ेगा। अरे भैया छोड़ निकल ले, आ जाते हैं मेहमान बनने। हाँ भाई आ रहा हूँ। कहाँ रह गए अब तक नहीं आए? मैंने सारा नाश्ता तैयार कर लिया, खाला आई नहीं अभी तक। हाँ मर्जीना पता नहीं क्यों लेट हो गए, पता नहीं कब तक आएंगी। अरे खाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे मर्जीना। हाँ आ गया भैया। खाला आ गई, नाश्ता ले आओ। ऊपर बैठ जाओ प्रभु, उसने पैर कर लिया प्रभु। खाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओए ये लो खाला, मैं खा रही है। और ले आओ अंदर से, यहाँ रखो। ये भी लो। अरे वाह नमकीन बिस्कुट। सब ठीक है ना? खा बेटा खा। अरे खाने रख ना टूट पड़। मैं तो नमकीन खाऊंगी शेख जी। आ नमकीन खा ले चल। समोसे तो बढ़िया लग रहे। अरे वाह बेटा इकरा, समोसे तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा खाला
गजरोला से मंगाए हैं। अच्छा, गजरोला देख लेते हैं ना जी। हाँ जी, खाओ से जी, खा लो, बढ़िया है, खा लो। ले अभी मेरे हाथ से खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। खाला, तुम्हारे उमरा जाने की खुशी में मैंने ये चाय पार्टी रखी है। अल्लाह के घर जाओ तो हमारे हक में भी दुआ करना खाला। ठीक है बेटा। मैं ग्राम भाई, अब हमें चाय पार्टी बता दी, चाय तो है नहीं यहाँ। चाय कहाँ है, चाय क्यों नहीं लाई, चाय लेके आ जा। अल्लाह, खाला के आने की खुशी में मैं तो चाय भूल ही गई। ले आओ। इतनी खुशी है खाला के आने की। हाँ। बड़ी मजा किया है बहू। पूरा समोसा खाएगी। ये लो खाला, ये क्या कर रही हो दूसरे के घर पे? लाओ 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 भाभी, लाओ मेरी कप में। खाला, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना, क्या पता अल्लाह आपके वसीले से हमारे भी गुनाह माफ कर दे। तुम दोनों फिकर मत करो, मैं तुम दोनों के लिए भी दुआ करूंगी, आखिर तुम भी तो मेरे बच्चों के समान हो। राम भाई, मैं एक बात सुनिए, मैं समोसे चाय भी सूट रही अम्मी को भकाएगा या कोरमा वोरमा बनाया है? शेख जी, तुम बावले तो नहीं हो, किसी के घर पे आके ऐसी बातें करते हैं क्या? उल्लू की चरखी, मैंने कौन सा गाली दी थी, मैंने कौन सा कुछ बुरा कह दिया, मैंने सवाल ही तो किया। ये नई गाली और सीख गए हैं, चरखी परखी। मैंने कहा बैठ रहा नहीं, कब मारवा चाय का खाली। हाय हाय, दूसरों के घर आए बेटा, शर्म करा कर। दूसरा घर बता रही है, एक बात नहीं, अभी तो तू कह रही बच्चों के जैसे है, वैसे दूसरा घर बता रही है, अभी तो बच्चों के जैसे बता। अम्मी से ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहे हो तो? मैं बता रही हूँ, मैं ऊंची आवाज बोला, अम्मी तेरी अम्मी माफ कर दे। अम्मी पागल आदमी, पागल देख ले, पागल बता रही है। शेख चिल्ली भाई, तुम क्यों चिंता करते हो, इंशाल्लाह जब खाला उम्रे से वापिस आएंगी ना लौटकर, सबकी दावत करूंगा, बिरयानी की देग उतरवाऊंगा। वैसे खाला, आप उम्रा के लिए जा कब रही हो? बेटा अगले जुम्मे को सोच रही हूँ, अगर अल्लाह ने चाहे तो। अरे वाह खाला, जुम्मे के दिन उम्रा का सफर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी। हाँ बेटा। हमें यहाँ आए हुए काफी देर हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए। तो ठीक कह रही है बेटा, चलो घर चलते हैं। तुम चले जाओ, मैं तो कोरमा खा खाऊंगा, कोरमा मंगा रहा अगला। चल चल घर चल। चलो। खाला, शेख भाई सही कह रहे हैं, थोड़ी सी देर रुक जाओ तो खाना खा के जाओ। अरे नहीं बेटी, इसकी तो आदत खराब है। हाँ मर्जी ना बाजी, कोरमा तो घर पे बना रखा है, इनकी नियत नहीं भरती। फिर ठीक है। हाँ झूठ मत बोले, चल देखें कौन सा कोरमा बना खाता। चलो। मैं सोच रहा था भाभी का हाथ का कोरमा खाता, मगर अम्मी रुकी ना जी, कुछ देर में क्या बिगड़ रहा था, रुक जाती तो कोरमा तो खाने को मिल जाता। अम्मी थोड़ी देर बैठे रहते तो बनाता ही, इतना तो बेसन बिना नालायक हूं, चार समोसे डालो। ये काले का भग रहे हो, समोसे समोसे, चल घर। शेख चिल्ली भी अजीब आदमी है। इकराम मियां, हाँ। शाम के लिए कुछ सालन लिया ना बनाने के लिए। भिंडी ले आऊं क्या? भिंडी को मारो गोली, मुर्गा ले आओ जाके, मेरा बटर चिकन खाने को बहुत जी कर रिया। जो हुकुम मेरे आका, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मुर्गा लाता हूँ। ठीक है ठीक है। कैसे कैसे लोग टकरा जाते हैं नवाब। बेटा आज के बाद किसी आदमी से मिलेगा तो जरा देखभाल के मिलियो, बड़े खतरनाक लोग हैं, मुझसे भी बड़े बड़े पड़े हैं यहाँ तो। ए, अबे चचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भतीजे, वालेकुम अस्सलाम। अबे चचा तुम हमारे गांव के तो हो ना, कहां से आए हो, किसके यहां जाना है? अमा भतीजे, हम है रामपुर के लूटे पीटे नवाब, माशाल्लाह हमारा नाम है फटीचर नवाब, और हम किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं। ओहो, तो इस गांव में तुम्हारी रिश्तेदारी है क्या? देखो मियां, इस गांव में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता, बाकी हम ताजी ताजी रिश्तेदारी जोड़ने में बड़े माहिर हैं। माशाल्लाह आपका और आपके वालिद का नाम क्या है, माशाल्लाह बताइए। जी मेरा नाम इकराम है और मेरे वालिद साहब का अब्दुल रहमान। अबे अब्दुल रहमान तो मेरे मम्मू के चचा थे, और वो मुगल दरबार में
शाही कनमैलिया की पोस्ट पर थे। क्या कनमैलिया थे? अमा कनमैलिया मत कहना, शाही कनमैलिया कहो माशाल्लाह। ओ अब देखो मियां, हिसाब लगा के देखो, मेरे परदादा का नाम अब्दुल रहमान और तुम्हारे वालिद का नाम भी अब्दुल रहमान। अब इस हिसाब से देखो, हम दोनों आपस में करीब रिश्तेदार हुए ना। अबे नवाब साहब, क्यों दिन दहाड़े हमारा तूतक तूतक तूतिया बना रहे हो? नाम एक जैसे होने से क्या रिश्तेदारी जुड़ती है? अमा मियां भतीजे, हमारे यहाँ रामपुर में तो नामों के जुड़ने से ही रिश्तेदारी जुड़ जाती है। अब इस हिसाब से तो आप हमारे रिश्तेदार हुए माशाल्लाह। क्यों, ऐसे कैसे रिश्तेदार हो गए हैं? ना, अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है इकराम मियां। फौरन हमें अपने घर लेके चलो। देख लो, अगर आपने इनकार किया तो हम अपने मुंह की पान की पीक तुम्हारे मुंह पे थूक कर आई तुम्हारा मुंह बंदर के पिछवाड़े जैसा बना देंगे। चलिए अब ये बताइए, तुम्हारा घर किधर है? मियां हमारा घर तो इधर है। चलो इधर कोई चलो। अबे इधर नहीं है, इधर है। इधर है? हाँ तो फिर इधर चलो। चलो बेटा, ये क्या उलझुल हरकत कर रहा है तू? अम्मी मैं उलझुल हरकत नहीं कर रहा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे भूख के मारे। अब चूहे भूख के मारे कूदे तो मैं भी भूख के मारे कूदने लगा, टक पटक टक पटक कर रहा हूँ। या अल्लाह, तूने कैसी बेवकूफ औलाद दी है मुझे। इससे तो बढ़िया कोई गधा दे देता, कुछ फायदा तो होता, कम से कम वो कुछ कमा के ला के तो देता। अम्मी आपको ऐसी बात सोने देती? तुम्हें पता, उम्रे को जाने से पहले अच्छी अच्छी बात बोला करो, अच्छी 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 बात करो। अच्छा अच्छा, तो बकवास मत कर, ले ये खा ले। मैं इस्तेमाल वाली आपा के पास होके आती हूँ। इस्तेमाल वाली आपा का रोज जाई रहे तू, वहाँ का लड्डू ले रहे तू जाके। अरे कमबख्त चुप कर, अल्लाह वालों के बारे में ऐसी बातें नहीं बोला करते, वरना मैं किसी दिन कान उखाड़ के तेरी गुद्दी के पीछे लगा दूंगी। मैं आपा के यहाँ से होके अभी आ रही हूँ। ठीक है, जाओ अम्मी आप जाओ। पकौड़े बना दिए भाभी की हिरत से, पकौड़े बना दिए रुखसाना ने भी, इन्हें भी देखता हूँ चक्के। ओ भाई इसमें तो बहुत मिर्च है। हाय अल्लाह, इन्हें क्या हो गया? क्या हुआ शेगी, तुम्हारे कतैये ने काट लिया क्या? शेख जी, तुम भी बिल्कुल पागल ही हो, थोड़ा अकल से भी काम ले लिया करो। अगर मुंह में मिर्ची लग गई थी तो पानी पी लेते, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी? ओबे, ओबे ये बात तो मैंने सोची नहीं, मगर साले तू भी पहाड़ बढ़ा लिया, पहाड़ बढ़ा लिया, पहाड़ बढ़ा लिया, मैं पहाड़ बढ़ा लिया, तरकी बता रही है, पानी लाई नहीं, अभी पानी लेके नहीं रही गिलास, साले जान से मार दूंगा। पैसे नहीं कह रही है शेख जी, पानी पी लेते, उछल कूद करने की क्या जरूरत है, पानी लेकर आए नहीं मैं, जब तुझे पता शेख जी तकलीफ में है तो पानी ले सकती तू। शेख जी तुमने मुझे पीटा है, तुम्हारा हाथ टूट जाए, मैं तो कहूँ तुम्हारा सिर फूट जाए, अल्लाह करे तुम्हारे पैर टूट जाए, अल्लाह करे तुम पूरे के पूरे टूट जाओ। भाई तो कोसने लग रही है साली, यहाँ से निकल लेता बेटा, वरना ही ऐसी करती रहेगी। देखो तो कैसे खा रहा है। अमा मियां, मेहमान नवाजी तो हमारे रामपुरी रियासत में की जाती है,
माशाल्लाह दो दो फुट के चित्तीदार केले हाँ? और दो दो किलो के समोसे खिलाए जाते हैं जबरदस्ती मेहमानों को हमारे रामपुर में। और किसी के घर में बिना बताए जबरदस्ती के मेहमान भी बन जाते होंगे तुम्हारे रामपुर वाले। मर्जी ना, मेहमान अल्लाह का एलजी होता है, आता है खाता है और दफा हो जाता है। नवाब साहब भी माल को पियेंगे और निकल जाएंगे। मियाँ, हम रामपुर के फटीचर नवाब हैं, हम इतनी जल्दी नहीं जाते, कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 साल की मेहमान नवाजी करवाते हैं। हाँ? नाश्ता तो हमने हल्का फुल्का कर लिया बीबी, अब तुम हमारे लिए लंच का इंतजाम करना शुरू कर दो, माशाल्लाह उसे भी हम पिल के ही जाएंगे। अब लंच भी खाओगे क्या? अस्तग़फ़िरुल्लाह, हम रामपुर के फटीचर नवाब हैं, ऊपर से आपके मेहमान हैं, फिर हम खाना क्यों नहीं खाएंगे? अब फटाफट हमारे लिए खाने का इंतजाम करो। मर्जीना, ये नवाब चचा हराम का खाए बगैर नहीं जाने वाला। तू ऐसा कर, सोरवे वाले आलू टमाटर बना ले, थोड़ी सी चूहे मारने की दवाई ना मिला दूँ उसमें। लाहौल विलाकुवत पढ़ो भतीजे, अमा हम रामपुरी नवाब तुम्हारे मेहमान हैं और तुम हमें आलू खिलाओगे? हम आलू नहीं खाएंगे, हमारे लिए मुर्ग मसल्लम, ईरानी कोफ्ते, हाँ? हैदराबादी बिरयानी, सहारनपुरी कीमा, रामपुरी कबाब, अलीगढ़ की नहारी, हाँ? और थोड़ी सी खीर, थोड़ा सा जर्दा बना लो। बस इससे ज्यादा खाने की गुंजाइश नहीं है मेरी, माशाल्लाह। अरे चचा, तुम एक बात तो बताओ, तुम नवाब हो या अजाब हो? अब ऐसा करो, हम दोनों पर नमक मिर्च छिड़क कर हमें भी खा जाओ, हमारा भी काम तमाम कर दो। उबे इकराम। हाँ भाई। उबे ये लंगूर जैसी शिकल का कौन है? तेरा मामू है क्या? ये है रामपुर का फटीचर लूटा पीटा नवाब, ये मेरा मामू वामू ना है। शेख जी, ये तो जबरदस्ती आन के हमसे चिपट गया। क्या जबरदस्ती लिपट रहा? क्यों भाई चीज़ रे? भाई जबरदस्ती क्यों लिपट रहा? तो जो की औलाद है जो जबरदस्ती लिपट रहा? मैं तो प्यार से भी कह सकता था, मोहब्बत से इजाजत लेकर चिपटता। अरे मियां कौन हो तुम जो तुमने मेरी गुद्दी पर दो चार रहटे सेक दिए? शेख जी हमारा नाम। लाहौल विलाकुवत, हमारी इतनी बेइज्जती मत करो शेख जी, नहीं तो हम केला खा के तुम्हारे मुंह पे थूक देंगे। अबे हम किसी से डरते थोड़ा ही है। डरता नहीं है साले उल्लू के चढ़ के? एक बात सुनिए, शेख चिल्ली से तो पूरा गांव डरता, और तू नहीं डर रहा? डर जा नहीं साले का, मारते 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 लंगूर बना दूंगा साले का यही। अमाम ये शेख चिल्ली, मैं तुमसे क्यों डरूं? पर मैं तो इनका मेहमान हूँ। भाई इकराम भाई, ये तो मेहमान है भाई, ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं तो खामा खाई गद्दी का पराठा बना देगी का। भाई तुमने पहले क्यों नहीं बतलाया मुझे? मैं तो आपकी तरफ आग भर के भी नहीं देखता। तुमने मुझसे पूछा ही कहाँ है माशाल्लाह? अरे भाई इकराम भाई जान, भाई जब आपके मेहमान है इनकी खातिरदारी करो भाई, ये तो सवाब का काम है। शेख जी ऐसा करो, इस चीचड़े को मेहमान बना के तुम अपने घर ले जाओ, मेहमान नवाजी का सवाब तुम ही सारा कमा लो। क्या हम ले जावे? ठीक है, खातिरदारी हम कर देंगे। चल भी खड़ा हो जॉन छोटी। भाई घूर क्या रहा? उठने सारे पेट में छतरी दे दूंगा। हमें तो मेहमान नवाजी करनी है, यहाँ करवा लो या अपने घर करवा लो। हाँ चल, हम करेंगे मेहमान नवाजी, तेरी गुद्दी आज का बला टली। मर्जीना, शुक्र है अल्लाह का हमारे घर से बला टली। भला हो शेख चिल्ली का जो उस मुसीबत को ले गया। हाँ भाई जल्दी चल, चल मेहमान नवाजी कर लिया तू। चल चल तो रहा हूँ शेख चिल्ली, चल चल चल, थक लिया कहीं? चल मार दिया।
अबे ये से चिल्ली किसे पीट रहा? चल चल बासुले सीधा चल सीधा बस एक्चुअली बासुले शेख जी ये कौन है? मैं तो ज्यादा अफसर लग रहा सीबीआई का अफसर है जो तुझे बता दूं। ये मेरे मेहमान है, चल निकल यहां से, चल निकल। शेख जी तुम्हारे मेहमान है तो इन्हें पीट क्यों रहे हो? क्या कहा पीट कैसे रहे हूँ? ओ तो तू ये जानना चाह रहा कैसे पीट रहे हूँ? हाँ जल्दी बताओ कैसे पीट रहे हो? ठीक है बता रहा, तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। मेहमान साहब तुम थोड़ा आराम कर लो। ये अपने मेहमान को नहीं ले जा सकता कहीं, अपने मेहमान के साथ नहीं जा सकते, अपने को धमका नहीं सकते। सारा ने लहू भी रखा खून भी रखा शेख चिल्ली, निकल जाओ निकल जाओ, साले को जिंदा दफन कर दूंगा, निकल जा जाओ बदतमीज साले। तुम आदमी नहीं पजामा हो पजामा। अब कोई अपने मेहमान को पीट पीट के पैदल ले जाता है माशाल्लाह। सारे कैसे करते बता ले, और कहते हवाई जहाज मंगाओ जो सीधा कर से जाओ ऊपर। देखो मियां हम है रामपुर के फटीचर नवाब, पैदल चलना हमारी शान के खिलाफ है, आप हमारे लिए अरबी घोड़ा मंगाइए घोड़ा। एक बात बताइए, अगर अरबी घोड़ा ना मिले नवाब साहब तो क्या गुजली वाला गधा चलेगा गधा? अस्तग़फिरुल्लाह लाहौल विला कुव्वत, हमारी ये तो हमारी तोहीन है शेख चिल्ली साहब, ये तो हमारी तोहीन है। भाई तोहीन है तो तू ऐसा कर क्या? भाई मैं घोड़ा बन जाता हूँ, मेरे बैठ के मेहमान का भी स्वागत हो जाएगा। ऐसा है? हाँ। हमें तो घोड़ा चाहिए, आप बनो या कोई और। घोड़ा बन जाता हूँ मेहमान के लिए तो बन जाऊंगा। कैसे? थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर। ठीक है चलो। हाँ चलो इन्हीं नारा भाई। हमारे पैर थक गए, नहीं खा रहा था बैठो। अब थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, रुको रुको इसको हम हटा लेते हैं। अब चलो चने खिलाने पड़ेंगे। हाँ चने खिलाएंगे। ठीक है अमा, क्या ये तुम्हारा घर लगता है? गरीब हो ले ले बेटा, तोड़ गया बस। सांड तेरे में तो हाथी से ज्यादा वजन है, बस तेरे वजन से तो चलते चलते मेरे फेफड़े भी उल्टे आने लगे। मियां आजकल हम गुर्बत के दौर से गुजर रहे हैं, परेशानियों की वजह से हमारा वजन कम हो गया, नहीं तो माशाल्लाह हमारे अंदर तो बहुत वजन था। आराम से बैठ रहे भाई, रुक जाना रुक जाना। हाँ शेख जी। भाई जरा। हाँ जी। हैं अमा शेख चिल्ली, ये मोहतरमा आपकी बहन है क्या? शेख जी ये जब से हुलिया वाला भालूसी शक्ल का कौन है? रुक जाना क्या बताऊं, ये नवाब का बच्चा हरामी, ये हमारा मेहमान है, इसी खातिरदारी करके थोड़ा सवाब कमा ले। अमा मोहतरमा, हमारी खातिरदारी करने के लिए थोड़े से मुगलई पान और मुजरा देखने के लिए एक खूबसूरत सी नचकनिया मंगा लीजिए। माशाल्लाह हमें मुजरा देखे बिना हमारा खाना हजम नहीं होता। ओहो जी, इस फटीचर नवाब के ख्वाब तो देखो, अभी सर पर दो झाड़ू मारूंगी तो पूरी दुनिया मुजरा करती नजर आएगी नवाब को। है शेख चिल्ली बेटा, ये नमूना कौन है और इसे हमारे घर में कौन छोड़ गया? अम्मी ये फटीचर नवाब है, हम इसकी खातिरदारी करके थोड़ा सा सवाब कमा लेंगे इधर से। अम्मा मियां अपनी गुफ्तगू के चक्कर में मुजरे का इंतजाम मत भूल जाना, कसम उगलदान की मुजरा देखे बिना हमारा खाना हजम नहीं होता। क्या खाना हजम नहीं होता? ओ तो तेरा हाजमा खराब है। तो हाजमा खराब है तेरा? हाजी हाजी। तो ले ये प्याज खा ले, हाजमा ठीक हो जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह चची जान, मैं खाता हूँ मुगलई पान, मैं प्याज नहीं खाता। मैं ऊँट के मामू भाई, जब तेरा हाजमा खराब हो रहा प्याज क्यों नहीं खा रहा? मैं नहीं खाता। अच्छा रुखसाना पकड़िए। मैं नहीं खाता, अम्मा मैं नहीं खाता, अम्मा मैं नहीं खाता, अबे 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 अ
इसका क्या करेंगे, कभी सारा उल्टा आ जा। हाँ ठीक है, देखा उसका ये जुगाड़ पगाड़ जो भी है। आ जा, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के मेहमान बन के। कहाँ से आ गया पता नहीं, कार्टून से ये। एक किलो मुर्गा लाना, एक किलो प्याज लानी, 250 ग्राम लहसुन, 250 ग्राम अदरक। अबे चचा, तुम तो शेख चिल्ली के यहाँ गए थे मेहमान बनकर, ऐसे कैसे भाग रहे हो? अरे चचा, तुम्हारे पीछे क्या पड़ गया भूत का बच्चा, जो तुम ऐसे भाग रही हो? अबे भाईजान, तुमने मुझे किस बेवकूफ के हवाले कर दिया? अबे उसने तो मुझे पीट पीट के मेरा कबाब बना दिया। अब माशाल्लाह मैं तो उसके पास रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो अपने रामपुर जा रहा हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा चचा, तू यही रहेगा। अबे छोड़ दे भाई, पकड़ रखे इकराम, इकराम पकड़ रखे साले को। अबे साले, मैं तो आगे बच्चे, मैं तो आगे पजामा, भैया सारा सामान अपने हमारे घर छोड़ आया। ले पकड़ ले दे। अबे मुझे नहीं चाहिए शेख चिल्ली भाई, तू ही रख ले। नहीं भाई शेख चिल्ली, इसका सामान मत रखियो, नहीं तो तुम्हारे नाम की FIR दर्ज करा के तुम्हें बंद करा देगा। ना ना ना, ओए भैया, तो मैंने सोचा भी नहीं, ये तो बिगर मुकदमे हमें कर देता बंद। नहीं नहीं नहीं, गलत सोच, ये मत करना, ये मत भाग जा भाग जा, रामपुर से पहले मत रुक जाइए। हाँ। तो अब हम फिर मिलेंगे।